दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग और कमाल की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो चैनल टपा कोल। आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है बोट के एयरडॉप्स 281 प्रो के बारे में। इससे पहले बोट के एयरडॉप्स 281 आते थे लेकिन ये प्रो वर्जन है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो एयरडॉप्स हैं अभी बहुत पॉपुलर हैं इस टाइम और ये बोलो तो बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो में अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को लग सकता है कि ये बोट की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो वीडियो के अंदर बढ़ते हैं और करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमें कैसा देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर हैं, सभी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर ये सारा जो कॉन्टेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एक एक चीज की क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोट की तरफ से आने वाला उनका एक सनबर्न कार्ड, उसके अंदर डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ बोट बनाता है वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद एक फेक कार्ड देखने को मिलेगा जो कि इस एयरडॉप के लिए है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसका यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक साल का जो वारंटी कार्ड है वो भी देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे कार्ड्स हैं इसके साथ। और यहाँ पर मतलब ये लिखा हुआ उपयोग करने से पहले मुझे पढ़े, तो मतलब रीड बिफोर कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर आपको जो चार्जिंग केबल है वो मिलेगी टाइप सी वाली और छोटी सी चार्जिंग केबल है लेकिन ठीक ठाक आपको चार्ज करके दे देगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो एयर टिप्स मिल जाते हैं, दो पेयर जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ये छोटे ये हल्के से बड़े हैं। और यहाँ पर हमारे जो मेन डिवाइस हैं यानी कि इसके जो एयरडॉप्स हैं 281 प्रो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डिज़ाइन कुछ ऐसी है और बाकी बात करूँ केसिंग की तो केस कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ अलग अलग थी और यहाँ पर दोनों चीज़ कुछ ऐसी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों करते हैं इसकी बात और यहाँ पर जो सबसे पहले फिनिशिंग है मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि यहाँ पर आपको जो बिल्ड है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने मिलती है। अब इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बोट की ब्रांडिंग है और हल्की सी यहाँ पर आपको लाइनिंग देखने मिलती है, डिज़ाइन का एक पार्ट हो सकता है। बाकी अगर ओपन करते तो यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर वगैरह अंदर की तरफ नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको लाइट इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको बैटरीज की जो इंडिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भी जो मटेरियल यूज़ कर रखा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रखा है, ये अच्छी बात लगी मुझे। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप सी का इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये जो बटन है ये काफ़ी कमाल कर दिया। यहाँ पर आपको रिसेट बटन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो एयरडॉप्स होते हैं या फिर TWS होते हैं उनके अंदर जो रिसेट बटन होता है वो उनके जो टच कंट्रोल्स होते हैं यहाँ से आपको प्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यही देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर आपको चार्जिंग इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अपने एयरडॉप्स की, तो डिज़ाइन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। हाफ इन ईयर साइज जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलती है। लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग है। चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको स्लॉट देखने को मिल जाएंगे और इनकी भी जो फिनिशिंग है अच्छी है, प्लास्टिक बिल्ड है बेसिकली। और बात करूँ तो यहाँ पर आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर LED जो लाइट है वो दे रखी है, लेकिन अभी जब आप जैसे इनको निकालते हो या फिर दोबारा प्लेस करते हो उसके अंदर तो वो जो ब्लिंकिंग लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी ये वाले जो TWS हैं या फिर एयरडॉप्स 281 प्रो हैं ये टच कंट्रोल के साथ आते हैं। जैसे बता दें यहाँ पर आपको जो टच सेंसिटिव पार्ट है वो देखने को मिलता है। और वेट की बात करूँ तो वेट के मामले में बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही हल्के हैं और महसूस नहीं होते कि आपने कुछ भी हाथ में थामा हुआ है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर इनकी फिटिंग वगैरह आपको कानों के अंदर कैसी देखने को मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों हमने कर ली इसके अनबॉक्सिंग वगैरह, अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हाफ इन ईयर डिज़ाइन आते हैं और आपके कानों के अंदर किस हिसाब से फिट आते हैं। लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग है यहाँ पर, तो मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ। वैसे बता दूँ 3-4 दिन से मैं इनको यूज़ कर ही रहा हूँ और यहाँ पर अब जाके मैं इनका फुल रिव्यू यहाँ पर लेके आया हूँ। तो ये फिटिंग वाइज कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और टच कंट्रोल के साथ आते हैं तो आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर इन्वायरमेंट की जो नॉइज़ वगैरह या फिर जो एम्बिएंट साउंड होती है बहुत हद तक रुक जाती है और अच्छा खासा पैसिव नॉइस आइसोलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करूँ तो ये हल्की फुल्की निकली हुई है, इसकी जो डंडियाँ सी हैं तो जब बाइक वगैरह यूज़ करोगे, हेलमेट वगैरह यूज़ करोगे तो हो सकता है हल्का फुल्का आपको पेन इससे देखने को मिल सकता है क्योंकि ये हाफ इन डिज़ाइन है और ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो इन ईयर डिज़ाइन होती है उससे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस सभी इन कंट्रोल से कर सकते हो, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाएंगे इन एयरडॉप्स के अंदर। सबसे पहले ये आते हैं ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी के साथ, तो यहाँ पर आपको अपडेटेड ब्लूटूथ 5.1 मिल रहा है
और इसके साथ साथ ये IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो पानी में डाल दो 30 मिनट तक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहा सकते हो और मतलब बारिश के मजे ले सकते हो, बारिश का मौसम आने वाला है तो इनको पहन के म्यूजिक सुन सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर आपको बात देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो बैटरी आउटपुट है केस के साथ 25 घंटे का मिलता है। बाकी सिंगल TWS की बात करूँ तो लगभग मेरे हिसाब से 4.5 से 5 घंटे का जो बैटरी आउटपुट है सिंगल TWS निकाल के देगा, और ये डिपेंड करता है कि आप 70 से 80% पर सुन रहे हो और उस हिसाब से इतने बैटरी आउटपुट आपको निकाल के दे ही देगा। बाकी यहाँ पर आपको टाइप सी का इंटरफेस जैसे कि मैंने बता दिया था शुरू में वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, अगर सिंगल TWS को आप चार्ज करते हो 5 मिनट के लिए तो 60 मिनट का बैटरी आउटपुट, और 40 मिनट करोगे तो पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर आपको देखने को मिली। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि बॉक्स के ऊपर लिखे हुए हैं और मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। ENX टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट डीनॉइजिंग माइक यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि शायद इसका जो माइक्रोफोन है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको ऑडियो प्रोवाइड करने वाला है। IWP टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये शायद कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर रही है, और कनेक्टिविटी के मामले में बता दूँ यहाँ पर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सीधे इसको ऑन करोगे जैसे बॉक्स से निकालोगे, अगर ये पेयर है पहले से तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर स्मूथ कंट्रोल और इंस्टेंट रीसेट बटन जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, जो ज़्यादातर TWS के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वो इस केस के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये सारे फीचर्स थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कॉलिंग के अंदर ये कैसे परफॉर्म करते हैं, और फिर उसके बाद बात करते हैं कि ऑडियो के अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस इन TWS के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं इस माइक्रोफोन से, और उसके बाद हमने स्विच कर दिया है इन TWS के माइक्रोफोन पर, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इंडोर कंडीशंस के अंदर ये कैसी ऑडियो दूसरे इंसान तक पहुंचाएंगे और आपको ऐसे दूसरे इंसान को आउटपुट कैसा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने सुना इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट था वो कैसा था, और मैं अगर बात करूं यहां पर अगर आप पबजी वगैरह या फिर ऑनलाइन गेमिंग वगैरह खेलते हो तो वहां पर आउटपुट कैसा देखने को मिलेगा, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम सीमलेस तरीके से यहाँ पर आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन हल्का फुल्का आपको मतलब एडजस्ट करना पड़ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप खेल सकते हो। अगर आपके पास वायर वाले ईयरफोन्स वगैरह नहीं है तो बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एकदम प्रो मोड यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, या फिर गेमिंग मोड बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं कि ऑडियो के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो सबसे पहले मतलब इसकी जो डिज़ाइन है वो इतनी अच्छी रखी गई कि आपके कानों के अंदर एकदम बढ़िया तरीके से फिट आ जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बात लगी मुझे। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं वोकल्स वगैरह की, तो वोकल एकदम क्रिस्टल और क्लियर है, और जैसा कि बोट का सिग्नेचर ऑडियो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मिड्स वगैरह की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आप आराम से सुन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और लाउडनेस नहीं है इसमें इतनी ज़्यादा कि मतलब आपके कान फाड़ दे, लेकिन इतनी ज़रूर है कि मतलब मज़ा आ जाए आपको। और बात अगर करूँ यहाँ पर बेस क्वालिटी की, तो बेस क्वालिटी मतलब यार मज़ा आ गया, मतलब मैं दो तीन दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मतलब बेस क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है इनकी, बहुत बढ़िया, मतलब 2000 रुपये के अंदर मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं ये, और इतनी बढ़िया इसकी जो बेस क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लगाने के बाद तो बिल्कुल पता नहीं लगता कि आप मतलब दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट से हो जाते हो, और इसका जो म्यूजिक आउटपुट है ना बहुत मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा होता है, अगर आप वैसे गाने सुनते हो मतलब बेस वाले, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये सब कुछ था इन TWS के बारे में, और बात करूँ कि 2000 रुपये के अंदर ये खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल जाने चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो जल्दी बढ़ने वाली है, 2500 या 2800 या 3000 रुपये के आसपास हो सकती है इसकी जो प्राइसिंग है, और अभी ये 2000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे। बढ़िया चीज़ें यहाँ पर आपको ऑडियो अच्छा मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, बैटरी अच्छी मिल रही है, चार्जिंग स्पीड अच्छी मिल रही है, टाइप सी का सपोर्ट है, और रिसेट बटन भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है। IPX5 की रेटिंग है, नहाते वक्त, पानी में खेलते वक्त, बारिश में खेलते वक्त आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये सब कुछ था बोट के 281 प्रो के बारे में, और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, TWS पसंद आए हो, या फिर हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि हमारी और जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।